चार चार जुड़ला वो पड़िया माजी सरी पेटी में माजी सरी अटीची में हमें क्यों नी पैरो रे भक्तो थारी आंगणी उबा भगत धर द्वारे खड़ा एक बार हंस दो जोली भर दो मधुबाला पर मेहर गणी आया आया हे आया आया। मेवाड़ में रात्रि जागरण का एक विशेष महत्व है और यहाँ पर अच्छे अच्छे कलाकार भी हैं। मेवाड़ में लोग रात्रि जागरण और भजन संध्या हर जिले में आपको देखने को मिलती है। मधुबाला जी से मिल रहे हैं। मधुबाला जी उदयपुर के हैं और आज ये हम आपको मधुबाला जी के जीवन के कुछ किस्से और मधुबाला जी के मुंह से ही सुनाएंगे। तो सबसे पहले मधुबाला जी आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद जी। दर्शकों को आप अपने जीवन के बारे में कुछ ऐसे बताइए कुछ किस तरह से आपका जीवन है, क्योंकि मधुबाला जी के गाने लोग YouTube पे काफ़ी सर्च करते हैं, काफ़ी सुनते हैं और जब आप मंच पे जाते हैं तो एक अलग ही तरह का माहौल बन जाता है, तो किस तरह से माहौल रहता है? जी बहुत बढ़िया माहौल रहता है। वैसे मैं बचपन से म्यूज़िक में ही हूँ, क्योंकि बेसिकली मेरे फादर भी म्यूज़िक से ही, मतलब शुरू से वो इसी फील्ड में है। और मैं बहुत छोटी सी थी, करीबन 3-4 साल की थी, तब से वो मुझे जगदीश मंदिर में ले जाते थे साथ में और तब वो भी भजन गाते थे। हम छोटे थे, मेरा भाई और हम दोनों छोटे छोटे थे, बड़े भैया भी हैं तो हम सब साथ में वहाँ पर भजन करते थे। ऐसे कर करके धीरे धीरे बड़े हुए तो टाइम के साथ साथ सब कुछ बदलता गया। और इसी बीच पहले मैं राजस्थानी सिंगर थी। पहले जो राजस्थान के ट्रेडिशनल सॉन्ग होते हैं, ट्रेडिशनल लोकगीत, वो मैं गाती थी, वो पापा के साथ वो वाले प्रोग्राम करती थी। फिर उसके बाद धीरे 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 मैंने मारवाड़ में कदम रखा और मारवाड़ में फिर धीरे धीरे भक्ति संध्या करने लगी। भक्ति संध्या करते हुए मुझे लगभग 10 से 12 साल हो गए। भक्ति संध्या में ऐसा कोई गीत हो जो लोगों के आपके द्वारा काफ़ी बार रिक्वेस्ट किए जाती है कि इसको सुना है, तो दो मुखड़े उसके आप सुना करें एक बार हमारे दर्शकों को। जी मैन तो वही है, ऊंचा किला पर थारो देव रो जगदम्बा, नीचिया मुलक मेवाड़ जरणी माथा रे शरणी आया हो। काफ़ी सुंदर आवाज़ है और वास्तव में जब मधुबाला जी जब मंच पे जाते हैं और जब राजस्थानी गाने और जो भजन गाते हैं तो काफ़ी लोग आनंद चकित हो जाते हैं। मधुबाला जी मेवाड़ के जो कलाकार हैं उनको कहीं ना कहीं कम मौका मिलता है, तो कुछ ऐसा भी कुछ होना चाहिए सरकार की तरफ से कि उनको मौका मिले। अब सरकार कर दे तो अच्छी बात है, बाकी मेवाड़ के कलाकार, ये भी बात एक है कि बहुत ऐसे भी कलाकार हैं जो बहुत पर्दे के पीछे हैं, वो अभी तक सामने भी नहीं आ पाते क्योंकि उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो मेरी यही इच्छा है अगर सरकार इनके लिए कुछ कर सके तो बहुत अच्छी बात है। जी मधुबाला जी, बचपन से आपको गाने का शौक है, जी ठीक है, कुछ तकलीफें भी आई होगी, क्योंकि किस तरह से आपने जीवन को निकाला है इस जी? एक्चुअली जब मैं छोटी थी, 3 साल से जब मैंने, जैसे बता रही हूँ, 3 साल से मैंने गाना शुरू किया था, तो गाते 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 एक स्टेज ऐसी आ गई कि मैंने गाने में ही ध्यान दिया, मैंने खाने में ध्यान नहीं दिया। और तो जब खाने में ध्यान नहीं दिया तो मेरे शरीर में कुछ वीकनेस आने लगी, प्रॉब्लम्स आने लगी, तो फिर धीरे 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 उस वजह से जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला ऐसे करोगे तो आपकी आवाज़ ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल, आपको खाने की सख्त ज़रूरत है। फिर उसके बाद मुझे एसिडिटी, गले में जलन होना और ऐसे शुरू हो गया था, तो उसकी वजह से मेरी आवाज़ बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ख़राब यानी बस बोला भी नहीं जाता था। तब फिर मुझे किसी ने बताया कि भाई डॉक्टर को आप बता ही दो, तो डॉक्टर को वापस मैंने जब चेक करवाया तो उन्होंने बोला कि लास्ट स्टेज है और आपको ऑपरेट ही करवाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। फिर मैंने मेरे गले का ऑपरेशन करवाया, आज से करीबन शायद 2017 या 2018 की बात है, ऑपरेशन करवाया, उसके बाद वापस मेरी आवाज़ चेंज हुई और अब बहुत ही चेंज है। ऑपरेशन से पहले अच्छी आवाज़ थी या ऑपरेशन के बाद में अच्छी आवाज़ आई है? हाँ ऑपरेशन से पहले भी अच्छी थी लेकिन वो स्ट्रक्चर अलग हो गया बिल्कुल, तब बहुत अलग थी अब बहुत अलग है। अच्छा। जी तो ऐसा क्या हो गया कि राजस्थानी गाने छोड़ के आप मेवाड़ी भजन करने लगे? नहीं वो भी करती हूँ आज। अच्छा। आज वो भी करती हूँ, वो छोड़ा नहीं है और ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, मेरा रुझान कुछ भक्ति संध्या की ओर ज़्यादा हो गया, धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लग गया, तो फिर
और मेरा फील्ड ही मारवाड़ में बना। अच्छा, ऐसा। तो अभी ज़्यादा मेवाड़ी मतलब सॉन्ग मतलब भजन करने में मजा आता है फिर राजस्थानी में? दोनों ही, मुझे तो सभी में मजा आता है। तो राजस्थानी लोगों गाने आपसे लोगों ने काफी कम सुने, तो ऐसे कोई राजस्थान हिंदी गाना जो कम सुने एक बार आप वो सुना दीजिए। कौन सा मतलब आप हिंदी गाना जो आप पहले गाते थे वो आपने? राजस्थानी लोकगीत की बात कर रहे हैं। पहले राजस्थानी, ऐसे तो घूमर चिरमी पणिहारी जो भी है ना वो सब गाती थी। ऐसे तो घूमरी जो राजस्थान की लोक कला है, या तो केसरिया मालम है या घूमर है, उसमें से ओम्हारी घूमर छे नखराली माँ घूमर रमवा में जास्या हो राजरी घूमर रमवा में जास्या। ये मिठास उदयपुर के पानी से तो नहीं आ रही है? मैं भी पॉसिबल हो भी सकता है कि उससे हुआ हो ऐसा। कहीं ना कहीं उदयपुर में जो मिठास है पानी की, और वास्तव में जो उदयपुर के जो कलाकारों में जो कला है, कहीं ना कहीं वो कला आप में भी दिख रही है, और वास्तव में उस पानी की भी मिठास आप में दिख रही है। जी बिल्कुल, पानी से तो पूरा उदयपुर भरा हुआ है जी, झीलों से, इसीलिए झीलों की नगरी कहा जाता है इसे। अगर ऐसा मौका मिले कि आगे और कुछ आप अच्छा अपने फील्ड में करना चाहें तो क्या करना चाहेंगे? कोशिशें तो जब छोटी थी तब से ही आगे बढ़ने की है ही है, और तब ये नहीं सोचा था कि जो अभी स्तर है यहाँ तक पहुँच पाऊँगी, यहाँ तक पहुँची हूँ तो अब हो सकता है आगे और भी करूँ। कोशिश तो रोज़ करती हूँ जी, आगे और भी हो सकता है और भी अच्छा हो जाए। और कुछ संदेश आप उदयपुर वासियों के लिए, मेवाड़ वासियों के लिए कुछ कैमरा के हमारे कैमरे के माध्यम से देना चाहिए, पल पल न्यूज़ के माध्यम से देना चाहें तो क्या देना चाहिए संदेश? मेरे हिसाब से इस कल्चर को, इस परम्परा को हम सभी को मिल करके आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे वो राजस्थानी कल्चर हो, लोकगीत हो, या चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, हम सभी को मिल करके इसको आगे बढ़ाना ही चाहिए। जी, महिलाओं के प्रति एक धारणा यह भी आती है कि कहीं ना कहीं उनकी फैमिली उन्हें अच्छी कला होने के बावजूद भी उनको बेक रखती है, आपने जैसे रखती है, तो क्या कारण रहता है, उनको किस तरह खुलना चाहिए? एक्चुअली मान्यताएँ हैं बहुत सारी कि भाई लड़की है तो बाहर कदम रखेगी तो कुछ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर लड़कियों में अच्छी कला है तो वो हमेशा आगे आनी चाहिए, हमेशा आगे आनी चाहिए। मधुबाला जी, ऐसी बहुत सारी अड़चनें आई थी लेकिन फिर भी चलो समय ने मेरा साथ दिया और मैं आज आगे बढ़ी हूँ। जी मधुबाला जी, वास्तव में आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है कि हमें भी यही इच्छा हो रही है कि हम आपको लगातार सुनते रहे, और शायद हमारे दर्शक भी हैं इन्हें भी यही लग रहा होगा लगातार सुनते रहे। हम आपसे विराम लेंगे पर उससे पहले एक और लोकगीत या जो भी आप छोटा सा गा के, और हम विराम लेना चाहेंगे आपसे। एक और लोकगीत सुनाना पड़ेगा देखिए, एक भजन मैंने 2017-18 में लिखा था जो जसोल रानी भटियाणी माँ हैं उनके लिए लिखा था, वही आपको कुछ पंक्तियाँ सुनाती हूँ। आया अम्मा जी सा बणी छणी आप पधार्या खमा गणी, आया आया हे आया आया, आया अम्मा जी सा बणी छणी आप पधार्या खमा गणी, आया आया हे आया आया, चार चार जुड़ला वो पड़िया माजी सरी पेटी में, माजी सरी अटीची में, हमें क्यों नी पैरो रे भक्तो थारी आंगणी उबा, भगत थर द्वारे खड़ा एक बार हंस दो जोली भर दो मधुबाला पर मेहर गणी, आया आया हे आया आया। काफ़ी सुरीली आवाज़, हमने मधुबाला जी से बात की और मेवाड़ के उभरते हुए सितारे ये हैं, और हमारे चैनल के माध्यम से भी हम ये आशा करेंगे कि उदयपुर का और मेवाड़ का नाम आगे तक बढ़ाते रहें। राहुल आचार्य, पल पल न्यूज़, राजस्थान।